देखिए, ये भट्टी का सब सामान सब आया, अब भट्टी का असेंबलिंग करना है। ये सब ट्रॉली है, भट्टी का पूरा भट्टी का सामान आ गया। यह दोनों लेथ पहुंच गया है ना। यहाँ बीच में एक टेबल लग जाएगा, 4 फुट का टेबल सब बनेगा। प्लाई आ रहा है। यहाँ पे ये साफ्ट मशीन लग गया, यहाँ वार्निश मशीन लग गया। इसके आगे 2 पेपर मशीन है टॉप का, है ना। इसके बाद एक CNC आप देख रहे हैं, ये टॉप वाइंडिंग हो गया। ये बॉटम वाइंडिंग का एक ऑपरेटर दोनों को ऑपरेट कर लेगा घूम घूम के। बीच में ऑपरेटर रहेगा, इसको भी चलाएगा, इसको भी चलाएगा। इसके बाद बॉटम का पेपर पेपर स्टिक यहाँ पे आ गया। तो ये यहाँ पे पूरा CNC, और यहाँ BLDC का जो CNC मशीन है वो हो गया। इधर ब्लेड सेक्शन वगैरह इधर भी हो गया। अब क्या है कि इंडक्शन की अगर बात करें तो यहाँ से पेपर लग गया, यहाँ पे वाइंडिंग हो गया, यहाँ पे टॉप का पेपर लगा, टॉप का वाइंडिंग हो गया। इसके बाद कहानी आगे, यहाँ पे 4 फुट का एक टेबल रहेगा, मतलब कॉयल मिल गया यहाँ पे वार्निश के लिए। यहाँ पे हाई वोल्टेज वगैरह सब कुछ करके एकदम फाइनल हो गया। यहाँ पे वार्निश सेक्शन हो गया, यहाँ पे वार्निश होते रहेगा। फिर आगे आइए, यहाँ पे एक टेबल लग जाएगा, 4 फुट का स्पेस हमने दिया हुआ है। यहाँ साफ्ट लग जाएगा, ठीक है। यहाँ ग्राइंडर अभी आ रहा है, यहाँ ग्राइंडर, और इधर रोटर का दोनों लेथ मशीन रोटर। और ये जो सेक्शन अब बचेगा, ये सारा पेंटिंग यूनिट। तो यहाँ पे एक पार्टीशन बनवाने जा रहे हैं, पार्टीशन 2 दरवाज़ा एल्युमिनियम फ्रेमिंग में लग जाएगा। तो उधर का जो भी है इलाका वो उधर, और इधर का ये सेक्शन इधर, और यहाँ पे जो ये एरिया खाली होगा, ये पूरा एक लाइन से वर्किंग टेबल लगेगा। लड़का लोग फिटिंग कर रहा है, पैकिंग कर रहा है। इतना लंबा ये जगह है ना कि इसी के अंदर में सारा कहानी समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो काम आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, सामान सब आ रहा है। अभी एक गाड़ी फिर सामान आया है। यहाँ पे पूरा सोलर लगने वाला है, और 50 किलोवाट का सोलर। बोले हैं नरेश जी, असल में सोलर भी तो अपना ही है, क्योंकि सोलर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद का है। तो पूरा सोलर का इंतजाम हो रहा है यहाँ पे। लगता है कि सोलर का प्लेट वगैरह भी आया है कि क्या आया है, चलिए देखते हैं। ये हॉल है, एक एम्प्टी एरिया है, और ये क्या है, ये सोलर का पैनल है। ये सोलर का पैनल है। चलिए, सोलर का भी तैयारी हो गया। चलिए, जुड़े रहिए। माल जो है सो होली के बाद से उम्मीद रखिए, एकदम माल मिलेगा, गारंटी के साथ मिलेगा, ठीक है।